टीम इंडिया के नए कोच के नाम का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 साल के लिए कोच बनाया गया है। रवि शास्त्री 2019 के वर्ल्ड कप तक कोच बने रहेंगे। इसके साथ ही जहीर खान को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया गया है। वहीं राहुल द्रविड़ को विदेशी दौरों के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी रवि शास्त्री 2 बार टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं। वो पहली बार हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वो टीम डायरेक्टर के रूप में टीम से जुड़े थे। टीम इंडिया के कोच की दौड़ में रवि शास्त्री के अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी का नाम चल रहा था, लेकिन सीएसी ने रवि शास्त्री के नाम पर मुहर लगा दी, जो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की भी पसंद है।